official channel of Ankita Jeeps. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अंकिता जीप्स। तो फ्रेंड्स, मौसम भी बहुत बढ़िया है, आसमान भी व्हाइट एंड ब्लू है और आज हमारे पास जो क्रिएशन है वो भी व्हाइट एंड ब्लू है। फ्रेंड्स, जो आज हमारे पास क्रिएशन है इसमें कलर कॉम्बिनेशन हमने व्हाइट एंड ब्लू कलर का रखा है। तो आज आपको इसकी डिटेल्स देता हूँ मैं। ये किसी ने ऑर्डर बेसिक्स पे नहीं बनवाई, ये गाड़ी मैंने खुद रेडी करी है, अपने कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से करवाई है रेडी। तो इसके अंदर जैसे दूसरी गाड़ी सभी गाड़ियों में आते हैं, हमारा एंग्री बर्ड का ग्रिल है, एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, ये यहाँ पे दो एलईडी लाइट्स दे दी, ये लाइट्स हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने ब्लू कलर की फिल्म दे दी, रोप है ये भी ब्लू कलर यूज कर लिया। और इसमें डिफरेंस ये है, आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, इसमें हम लोगों ने ये एक मुस्टैच का जो बोलते हैं सिंबल आता है, जो ये पंजाब साइड में काफी मशहूर है सिंबल, तो ये भी ब्लिंक करेगा नाइट की, मैं कोई वीडियो या कोई शॉट ले लूंगा उसमें ये ब्लिंक करेगा, आपको क्लियरली शो भी दिखेगा कि कैसा दिखेगा। टायर हमने यूज करे मिनी मॉन्स्टर टायर्स यूज करे हैं, और मोस्टली जो अलॉयस मैं यूज करता हूँ, मेरे जो पसंदीदार अलॉयस है ये फॉर्मूला के 4x4 इस डिजाइन के यूज करता हूँ। इन अलॉयस में गाड़ी की बबलिंग बहुत ही कम होती है, सिंगल फ्रेम ग्लास है पूरा, साइड में जो शो है ये सब पूरी क्रोम कलर में दी गई है, स्टिकरिंग पूरी हम लोगों ने ब्लू यूज करी है। अब आके इसके इंजन और इसके डिटेल्स देता हूँ आपको। इंजन है ये सेपरेट, दूसरा इंजन यूज करा है, ये पहली वीडियो मेरी जो इस इंजन में है। तो ये isuzu का टर्बो इंजन है, रेडिएटर है बिल्कुल नया है, पावर जोन की बैटरी है बिल्कुल नई, एयर क्लेंडर है पूरा नया है, जो डीजल पंप है वो नया है, अपना पावर स्टीयरिंग ऑयल का बॉक्स वहाँ पे है, ये अपना पावर ब्रेक्स हैं। तो फ्रेंड्स, टोटली इंजन को छोड़ के सभी चीज न्यू यूज करी गई है, और इंजन भी का भी काम काफी ज्यादा, मतलब टोटली पूरा करवा रखा है। जो गियर बॉक्स हमने यूज किया है 5+1 का गियर बॉक्स यूज किया फ्रेंड्स, और डीजल इंजन है इस इंजन में, इन टायर्स में इस गाड़ी की एवरेज अराउंड आपको 15-16 आएगी एवरेज। तो फ्रेंड्स, इसके टायर्स के बारे में बता दूं, मिनी मॉन्स्टर टायर यूज करे हैं, और जो अलॉय व्हील्स जो मैं मेरे पर्सनली रिकमेंड करता हूं, मैं मोस्टली मैं यही अलॉयस यूज करता हूं, फॉर्मूला के 4x4 जो अलॉयस होते हैं। इस गाड़ी के अंदर क्या है, बबलिंग की बहुत ही कम दिक्कत है, इसमें बबलिंग नहीं होती, आप 80-100 की स्पीड पे आराम से जा सकते हैं। और इस गाड़ी की एवरेज मैंने आपको बता दिया, तो पता नहीं इसकी एवरेज फिर बता दूं, इसकी एवरेज 15-16 किलोमीटर पर लीटर दे देती है isuzu टर्बो इंजन में। इंटीरियर के बारे में बताऊं, इसकी सीट कॉम्बिनेशन भी हमने व्हाइट एंड ब्लू कलर रखा है, बीच में इसका जो कंसोल बॉक्स है, कंसोल बॉक्स भी हमने, मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में कंसोल बॉक्स यूज करा है। इसका बीच का जो पाइप है मोटा पाइप, ये भी ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन है, पीछे की भी सीट ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन है, टोटली ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में गाड़ी बनाई है हमने। और अभी आपको इसकी टेस्ट ड्राइव दिखाते हैं। तो गाइस, इंजन इसका एकदम कंप्लीट साइलेंट इंजन है, जैसे टर्बो इंजन में थोड़ी वॉइस ज्यादा होती है, इस इंजन की वॉइस काफी हद तक कम है उस इंजन की से।